ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। कृपया सभी आंखें बंद करें, जैसे बताया जाए वैसे प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुमने सब में प्रेम भरा है, मैं उस प्रेम को कमल और सूरज की तरह लोक कल्याण के लिए फैला रहा हूँ। कृपया मुझे मेरी गलत सोच के लिए क्षमा करें। मुझे माफ करने में मदद करें। मुझे साफ करने में मदद करें। मेरा इंसाफ करें, इंसाफ। अंदर से मुझे साफ करें। हे परमात्मा, प्रेम में स्वास्थ्य ऊर्जा होती है, मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊर्जा को, शुभ्र प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर आते हुए देख रहा हूँ। शुभ्र प्रकाश के पृथ्वी पर उतरने की वजह से चेतना का सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से बाहर आने लगा है। मैं उस सुनहरी प्रकाश में सबको भरते हुए देख रहा हूँ। सब लोगों में मैं भी चेतना के सुनहरी प्रकाश में स्वास्थ्य पा रहा हूँ। इस तरह कृपया सबकी मदद करें, सब पर कृपा करें, सबको स्वस्थ करें।
शुभ्र प्रकाश के तेज में हर महामारी समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। शुभ्र प्रकाश के रंग में हर जीव स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी इस कल्पना को बल दो हे ईश्वर, मेरी इस कल्पना को साकार करो। यह कल्पना हकीकत में बदल रही है, बदल रही है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं, अपनी प्रार्थना और ध्यान से अर्जित बल को तपर्पण करके मन ही मन में पंक्तियां दोहराएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब हम खुश हैं तब हम अपनी उच्चतम विकसित अवस्था से जुड़े हुए हैं। जब हम दुख को बढ़ावा देते हैं, दुख के इमोशन में दुख भरे गीत गाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तब हम डिस्कनेक्ट होते हैं अपनी उच्चतम विकसित अवस्था से। कटी हो जाती है, कटी पतंग, बट्टी पतंग हो, यानी जुड़ जाना है। कैसे जुड़ेंगे? हैप्पी फीलिंग के साथ। हैप्पी हैट उतरने मत दो। हैप्पी हैट क्या है? खुशी की भावना। हैप्पी थॉट आपको याद दिलाने के लिए होता है। हैप्पी हैट उतरने नहीं देंगे। जैसे कोई पर्सन तंबू में बैठा है और तूफान जोर का लगा है, तंबू उड़ने लग गया, तो तंबू को तो आप रोक नहीं सकते उखड़ने के लिए, मगर अपनी टोपी तो पकड़ सकते। उसको पकड़ लो, उसको उतरने मत दो। क्यों? उसको उतरने नहीं दिया तो पक्का मकान भी बन जाएगा तंबू की जगह पर। तो पहले तो आपको अपने हैट को संभालना है, हैप्पी हैट को संभालना है, तुरंत याद दिलाना है, खुशी के फीलिंग के साथ मुझे रहना है। साइंटिस्ट प्लैनेट्स पर जाते हैं अलग अलग, वहां पर उनको एक पौधा दिख गया, एक पत्ता जमीन से बाहर आया हुआ, उनके लिए उतना काफी है एक नया संसार रचने के लिए। एक नया संसार रचने के लिए वो एक पत्ता काफी है। वो पत्ता क्या है? उम्मीद का। एक उम्मीद मिल गई तो पूरा संसार तैयार हो सकता है। ये आप सुनते ही आए हो ना, उम्मीद पर संसार चलता है, उम्मीद पर संसार कायम है, दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद क्या है?
विश्वास की शुरुआत है कि यस ये होगा, ये कार्य होगा, सत्य पर हम चल पाएंगे, मोक्ष इसी जन्म में। उम्मीद को छोड़ना नहीं है। लोग उम्मीद टूट कर निराश जीते हैं और छोटी छोटी बात पर उम्मीद टूटती रहती है। ये काम नहीं हुआ, उम्मीद टूट गई। ये नहीं हुआ, उम्मीद टूट गई। अभी तो मैं उम्मीद ही नहीं रखूंगा कोई भी। बहुत दुख होता है उम्मीद टूट जाती है तो। उसकी बजाय आप प्रार्थना करो ईश्वर को कि मुझे उम्मीद हैंडल करना सिखाओ। कर्म करो फल की इच्छा सामने वाले से मत करो, सोर्स से करो। सोर्स से लोग क्या करते, सामने वाले से उम्मीद करते, मैंने इसकी मदद की थी अब ये मेरी मदद करे, अब वो नहीं कर रहा है, उम्मीद टूट गई। तो गलती क्या होती है, पहले तो फल की इच्छा नहीं, महाफल की इच्छा करो। महाफल की इच्छा क्या है, आत्म साक्षात्कार, और वो भी सोर्स से करो, चैनल से मत करो। वाटर टैंक में पानी है, नल से तो आता है बाहर, नल की पूजा मत करते बैठो कि नल पानी देगा। नल तो माध्यम बनता है, निमित्त बनता है, किसी न किसी को निमित्त बनाकर आप तक चीज पहुंचती है। फिर लोग बोलते मैंने अपने भाई की मदद की, अब ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं तो अब आगे से किसी की मदद ही नहीं करूंगा, मेरा तो विश्वास ही चला गया, मैं तो उम्मीद ही नहीं रखूंगा, मुझे बहुत दुख होता है, मेरी उम्मीद टूटती है। लोग गलत लोगों से उम्मीद करते हैं, चैनल से उम्मीद करते हैं, फिर दुखी रहते हैं। आपको कुदरत देने ही वाली है, ये चैनल से नहीं तो दूसरे चैनल से। किसी की भी आप मदद करते हो, वही नहीं करे भली मदद, वो आता है मल्टीप्लाई होकर। तो आपकी ये समझ आपको जोड़े रखेगी सोर्स के साथ। घटनाएं ऐसे आएगी मगर आप कहेंगे नहीं हो जाएगा कार्य, एक बार और ट्राई करते हैं। उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं तो आप एक बार और ट्राई करते हैं और देखते हैं, फिर कार्य होने लगते हैं। लोग उम्मीद छोड़कर बैठ जाते हैं, अब ये होने वाला ही नहीं है। तो उम्मीद को पकड़ कर रखना है। कुछ लोग पृथ्वी पर पैदा इसलिए होते हैं ताकि लोगों में उम्मीद पैदा करें। आपका शरीर लोगों में क्या उम्मीद पैदा कर रहा है? सत्य पर चलना आनंददायी है, क्या ये उम्मीद दे रहा है? आपका जीना क्या संकेत बन रहा है? कैसे आप निमित्त बन रहे हो? खुशी के साथ निमित्त बनो, और खुशी के साथ फिर वो चीजें आपके जीवन में आने लगती है। हम दुख की फीलिंग में रहते हैं, डिले होता है और लेट होता है। जब आपको सुनते हो ना ये काम नहीं हो रहा है, आप दुखी होने लगते हो, नहीं खुश होना शुरू हो जाओ तो वो चीज रिलीज होगी। कहीं अटकी हुई है ना, वो आना शुरू हो जाएगी। तो लोगों को मालूम नहीं है रहस्य, इसलिए फिर वो दुख में दुखी होते रहते हैं। दुख की फीलिंग आपको कट करती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।